हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शैली पवार। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए, तो आपको भी हम लिए चलते हैं अपने साथ वहीं पर। और चलिए इस दिव्य दर्शन में आप भी हमारे साथ चलिए और ज़ोर से बोलिए जय माता दी। फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ टू विजिट दिस प्लेस इन स्टेट उत्तराखंड। जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, वो है टिहरी गढ़वाल, और जो जगह का नाम है वो है कद्दूखाल, जहाँ प्रॉपर सुरकंडा माता देवी मंदिर स्थित है उस जगह का नाम कद्दूखाल है, और जो कि सिर्फ 7 किलोमीटर आगे है धनौल्टी से। और यहाँ पहुँचना फ्रेंड्स बेहद आसान है। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा देहरादून, और रेलवे जिसको रेलवे से आना है उनके लिए ऋषिकेश, और डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ लाइक चंबा, मसूरी, धनौल्टी, ये सब मैंने स्क्रीन पर मैंशन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और शक्तिपीठ क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में यह कथा बहुत प्रचलित है कि प्राचीन काल में माता जगदम्बिका ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। लेकिन दक्ष ने हमेशा अपने दामाद शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। एक बार उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। तो जब देवी सती को यह पता चला तो वह अपने पिता के घर जाने लगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें काफ़ी समझाया कि बिना निमंत्रण मत जाओ, लेकिन सती ने आग्रह किया और यज्ञ में शामिल होने चली गई। यह यज्ञ स्थल पर दक्ष सती के सामने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें करने लगे, और यह अपमान से आहत होकर सती जी ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब इस घटना के बारे में जब भगवान शिव को पता चला तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से खुल गया। उनके आदेश पर उनके गण वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य गणों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। तब भगवान शिव ने सती के अलग होने से दुखी होकर यज्ञ कुंड से सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तांडव नृत्य करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति पैदा हो गई। और यह स्थिति देखकर देवताओं के अनुनय और विनय करने पर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया और भगवान शिव के क्रोध को शांत किया। माता सती के अंश जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। माता का सिर जहाँ पर गिरा वहाँ सिरकुट पर्वत पर माँ सुरकंडा देवी विराजमान हैं, जहाँ आज हम आपको लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मंदिर की महानता के बारे में हम सब जान चुके हैं, तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए सफ़र पर। और सफ़र बेहद ही सुंदर है, तो उसका भी मज़ा लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। एंड ऑल्सो आप ऊपर आई बटन प्रेस करेंगे तो प्रीवियस वीडियो ओपन हो जाएगी, और जहां हमने पूरा का पूरा ट्रिप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फ्रॉम हरिद्वार टू धनौल्टी एंड उससे आगे 7 किलोमीटर कद्दूखाल, जहाँ माता सुरकंडा देवी मंदिर स्थित है, जो कि आप बोर्ड पर भी सामने देख सकते हैं। हम पहुँच गए हैं कद्दूखाल में, और यहाँ से कुछ ही आगे जाके माता सुरकंडा देवी मंदिर आने वाला है। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। और हम पहुँच गए, यहीं से प्रसाद मिलना स्टार्ट हो गया है। और बहुत ही मतलब जून में, समर वेकेशंस में, मिड ऑफ जून हम यहाँ पे आए हैं, और वेदर एकदम अल्टीमेट, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं रोपवे पर, और ट्रॉलीज ऊपर से नीचे आते हुए मुझे कुछ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे तो आके अलग ही व्यू है, मैं सोच रही हूँ ऊपर जाऊँगी तो और भी अच्छा व्यू होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी बहुत एक्साइटेड हैं, मेरे अलावा और जो आसपास सभी लोग हैं वो सब भी बहुत एक्साइटेड हैं। और ट्रॉलीज नीचे आ रही हैं तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और ये रोपवे अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ये फैसिलिटी पहले यहाँ पर नहीं थी फ्रेंड्स। तो अब आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बेझिझक होके आ सकते हैं, बिकॉज ये फैसिलिटी अब यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस एंड फन, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम जाएंगे ऊपर देवी माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता का जो मंदिर है वो और भी ऊपर है, और वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन पर है। और वहाँ जाके मैं अभी देख रही हूँ कि मौसम काफ़ी चेंज है, हमारी ट्रॉली जो है एकदम हवा में ऐसे ऐसे झूल रही है,
बहुत मज़ा आ रहा है, हवा बहुत तेज़ है और व्यू तो अल्टीमेट, मतलब आप अगर आएंगे तभी महसूस कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। ये क्या है मनी? उड़ रहा है ना? No. This is a rope. Rope है ये? Yes. ये लीजिए, करते हैं माता सुकंडा देवी को नमन और हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ऊपर आने के बाद ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत बेहद सुंदर है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी और शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत भव्य और बहुत सुंदर, बस इतना ही। और माता रानी के दर्शन करके हमारा तो मन बहुत खुश हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ आके एकदम मैजिकल लग रहा है, मंदिर के चारों तरफ एकदम सब कुछ मैजिकल जैसे फिल्मों में होता है, बहुत सुंदर और बेहद बेहद सुंदर है। और मतलब आँखों को जैसे होता है ना, यकीन नहीं हो रहा है, वैसा कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है मंदिर। और ये सब जो एक होता है ना मैजिकल पावर, ये सब भगवान के हाथों में होता है। एक सृष्टि है और जो बहुत सुंदर बनाई गई है, वो बनाई गई है भगवान के द्वारा। ये यहाँ आके महसूस कर पा रही हूँ मैं कि यस, जो पावर है वो है और वो एग्जिस्ट करती है, एंड मैं उसमें बिलीव भी करती हूँ और मैं अपने आसपास देख भी सकती हूँ। ये वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और माँ सुरकंडा देवी मंदिर हाईएस्ट, यहाँ पर जितनी भी हाइट है उनमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन पर है। आसपास सब छोटा छोटा, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है और वेदर एकदम चेंज है, बारिश का एकदम से यहाँ मौसम हो गया है और दूर कहीं हमें दिखाई दे रही है धूप, लेकिन यहाँ आते ही मुझे ठंड लग रही है और बहुत ठंड है यहाँ पे। तो आप अपने साथ स्वेटर भी लेके आएंगे ना तो वो भी चलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ठंडा मौसम है। हम जब एंटर किए थे कान्हा ताल में हमने ब्रेकफास्ट किया था, प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ से वेदर एकदम चेंज होना शुरू हो गया था और यहाँ आते आते तक तो मतलब ऑसम वेदर। तो आइए और आनंद लीजिए और दर्शन कीजिए इस अद्भुत माँ सुरकंडा देवी माता मंदिर का। और फिर से एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जय माता दी। अरे कहाँ जा रहे हो? हमें ले लिया ब्रो, हम तो आ जा रहे हैं। मुझे लगता है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पूरा, हवा चलो तेज। ये तो दादी के सर पे मंकी बैठ गया लग रहा है। ओ हो हो, फिंगर से अरे ऐसे करते देखो वीडियो बन रही है आपकी।
सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक बार फिर से जोर से बोलो जय माता दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।